जी अरुणा साहब, मैं आपका तर्क जानने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत ही अहम आईपीओ, मेरे ख्याल से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आईपीओ, आपको एलआईसी द्वारा फ्लोट किया जाता हुआ दिख सकता है बजट के बिल्कुल बाद। कुछ ऐसा लगता है कि आपको बजट में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे रिटेल निवेशक को कुछ फायदा होता हुआ दिखे टैक्सेशन में, या कोई ऐसी ढील बरते जिससे कम से कम मूड माहौल बाजार का चुस्त रहे? हम लोग अक्सर देखते हैं कि बजट के बाद थोड़ी सी मायूसी बाजार में आती है। नहीं जी, मुझे ये नहीं लगता कि एलआईसी को सेल करने के लिए गवर्नमेंट को और कोई टैक्स इंसेंटिव वगैरह देना है। बिकॉज पहली बात है कि इस समय लोगों का मूड वैसे ही अच्छा है, तो अगर कोई मूड खराब होता और ये करना होता तो कुछ सोच सकते थे। लेकिन अब इसके लिए आप अलग से क्या टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि टैक्स रेट्स उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट उस दिन कम किए अपना 2019 में। अब कोई कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह मुझे नहीं लगता कि वो एक आईपीओ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर आप देखें ये सब चीजें गवर्नमेंट ने नहीं की है और जरूरत भी नहीं है। इस समय अच्छे अच्छे आईपीओ 100, 200, 300 times ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। एलआईसी का तो बहुत बड़ा आईपीओ होगा इसलिए उतना नहीं हो सकता ओवर सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब होना तो बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर उन्होंने फेयर प्राइसिंग करी। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एन इंसेंटिव, बेटर होगा गवर्नमेंट के लिए अगर वो चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करें या पूरे इन्वेस्टर्स के लिए करें, कि आप प्राइसिंग फेयर कर दें जिससे वो फर्स्ट डे लोगों की 10-20% बन जाए, उसके बाद वो अपने उस पे चले अपनी दम पर। बट मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसी चीजों के लिए, मूड को इम्प्रूव करने के लिए, मूड तो इंडिया का बड़ा अच्छा चल रहा है। जब 25-30% up to 40% लास्ट ईयर इंडेक्स अप थे डिफरेंट, और इस साल भी स्टार्ट अच्छा रहा है, कोई जरूरत नहीं है बजट में इस टाइप की चीज करने की। जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो बजट में था पिछले में वो था कि जी फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, क्योंकि कोविड का हुआ ये हुआ, और अब तो पता लग रहा है कि वो डेफिसिट विल बी क्वाइट लो कंपेयर्ड टू द दिस थिंग। बिकॉज वो आप मैंने पढ़ा कि अभी 2% दैट मींस सम 60 बिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट के आरबीआई में पड़े हुए हैं राइट नाउ कैश में, विच शोज कि ये पैसे जो गवर्नमेंट ने खर्चने थे प्रोजेक्ट्स वगैरह में, बल्कि वो खर्च नहीं पा रहे हैं बिकॉज प्रोजेक्ट्स में डिले हो गया होगा बिकॉज ऑफ मे बी कोविड और इवन अदरवाइज। सो वो कंफर्टेबल है इंडिया, एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अच्छे चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं। देयर इज नो नीड कि बजट में आपको कुछ और इसके ऊपर दिया जाए। अरुणा साहब, बहुत जबरदस्त हम लोग प्री बजट रैली में बैठे हैं और बहुत उम्मीदें बाजार लगाए हुए हैं 1 फरवरी से। किस तरीके से आप इस आने वाले समय को देख रहे हैं और क्या उम्मीदें आप लगाए हुए हैं नई दिल्ली से? तो मुझे लगता है कि ऐसे ना करें, क्योंकि उससे फिर मार्केट थोड़ी वीक हो सकती है। बिकॉज मुझे लगता है कि ये मार्केट जो बढ़ रही है वो नॉर्मल अपने बलबूते पर बढ़ रही है, नॉट सो मच कि और उसको कुछ चीजें बजट में मिले। बिकॉज बजट में अब आपके पास अगर आप सारे पॉइंट्स देखें तो कोई बहुत सारे पॉइंट नहीं है जिसमें हम गवर्नमेंट की किसी डिसीशन की वेट कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज यूपी इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, मुझे ये नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़े नए रिफॉर्म आने हैं या हम सोच रहे हैं कि आए। ये मार्केट बढ़े अपने उस पर बढ़े कि भाई हमारी कंपनीज आर डूइंग वेल, दैट फिस्कल डेफिसिट इज गुड, दैट फॉरेन मनी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नहीं आया लेकिन रिलेटिव टू चाइना अब वो शायद नए साल में और पैसे डालें, एंड जनरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल। बजट में मुझे नहीं लगता कि बहुत नई चीजें हैं जिसके लिए हम एक्साइट हों, बल्कि वो करेंगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। अरुणा साहब, अगर नए पैसे आपके फंड में कोई डाल रहा हो और आपको वो एलोकेट करने हो तो कितना आप सॉफ्टवेयर की तरफ डालेंगे? तो पहली बात है कि अगर मत बोलिए, क्योंकि डालना चाहते हैं, अगर तो ऐसा लगता है कि शायद एक दिन डाले तो उसमें जी हमारा अराउंड 32 या 31% हमारा सॉफ्टवेयर में है अभी, तो उसी को कॉपी किया जाएगा, और करीब 30-odd% ही हमारा फाइनेंशियल्स में है और अराउंड 25% हमारा कंज्यूमर सेक्टर में है और 14-15% हमारा बाकी जो इन तीनों में नीटली डिफाइंड ना हो पाए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अगर हम उसको प्राइवेट फाइनेंशियल में कह रहे थे, या भारती या हिंडालको, वो सब हमारे 15% में आते हैं। तो हमारे हिसाब से सॉफ्टवेयर में हमारे तो करीब 30% हो गया। और ये पैसा जो अब आप फ्रेश एलोकेट होते हुए देख रहे हैं अपने फंड्स में, ये क्या आप फोकस कर रहे हैं लार्ज कैप्स में,
या आप बॉटम अप स्टोरीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं जी, लार्ज में भी बॉटम अप करना पड़ता है, बिकॉज लार्ज में टोटल लार्ज कैप कंपनीज तो काफी हैं, जैसे हमारे पास विप्रो नहीं है और हमारे पास एक दो और लार्ज नहीं है, बट इंफोसिस हमारी लार्जेस्ट होल्डिंग है इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर, अदरवाइज आई थिंक इट इज फोर्थ लार्जेस्ट इन आवर पोर्टफोलियो। तो बट बायस अभी लार्ज कैप में होगा, क्योंकि स्मॉल कैप या मीड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा कोई स्मॉल कैप नहीं है, ये है कि लार्ज या लिटिल लेस देन लार्ज, जैसे HCL, टेक महिंद्रा वगैरह कोई आजकल आप उसको मीडियम कैप भी नहीं कह सकते, लार्ज कैप ही है वो भी। तो उस हिसाब से अगर उन सबको भी लार्ज कैप गिना जाए, या L&T टेक को या L&T इन्फोटेक को, तो इनमें से हमारे पास बहुत सारी है इनमें से, बट सबकी थोड़ी स्टोरी है और एक कॉमन स्टोरी है। कॉमन स्टोरी ये है कि इंडियन कंपनीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इन टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, एंड इंडियन कंपनीज कैन अडेप्ट। अगर उस वक्त क्लाउड चल रहा है तो इंडिया में क्लाउड की चीजें सीख जाते हैं, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी सीख जाते हैं, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट चाहिए वो सीख जाते हैं, जैसे जैसे डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग चीजें हुई हैं। इसलिए इंडियन सॉफ्टवेयर पसंद है सबको, बिकॉज यू आर नॉट कमिटिंग टू एनी वन टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड मांगेगी वो आप प्लस माइनस ए फ्यू मंथ में अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि लोग तो चाहिए होंगे जो भी नई चीज करें, और वो इंडिया के पास अब ट्रेंड एंड एजुकेटेड इतनी बड़ी वर्कफोर्स हो गई है। जी अरोड़ साहब, अक्सर जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स होते हैं और जो बहुत जबरदस्त पैसा मनाते हैं, वो एक या दो आउटसाइज्ड बेट्स जरूर अपने पोर्टफोलियो में हैं किसी भी साल के लिए, ताकि अगर वो थीम बढ़िया तरीके से काम करे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स निवेशक कमा पाए। सन 2022 के लिए क्या भारतीय बाजारों में आपकी कोई आउटसाइज्ड बेट है? कि हमने, हमारा प्रेजेंटेशन ही उल्टा है कि आउटसाइज बेट में क्या होता है जी, कि आपके अगर गलत हो जाए बेट तो वो आपका साल भी खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कंसिस्टेंसी अक्रॉस द इयर्स। तो हमारी लार्जेस्ट होल्डिंग जो है खाली 6-7% ऑफ द फंड होती है, हम आउटसाइज बेट में 15%, वैसे भी इंडियन म्यूचुअल फंड भी नहीं, वो तो कर भी नहीं सकते, उनको तो अलाउड ही नहीं है टू ओन मोर देन 10%। सो आउटसाइज बेट इज अ रॉन्ग नोशन, बिकॉज उसमें आधे लोगों के वो आउटसाइज बेट राइट होते हैं और आधे लोगों के रॉन्ग होते हैं। हम कहते हैं कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड फर्स्ट पॉइंट इज कि गलत ना हो, अगर गलत नहीं हो गए तो वैसे ही आपका 50% काम हो गया। इसलिए मैं आउटसाइज बेट्स के खिलाफ हूँ। बेट हम अलग टाइप से लेते हैं कि अगर वो पुरानी कंपनी है और वेल रन कंपनी है तो उसमें हम 5-6% पर नेम लेंगे, और जो नई चीजें हैं, जो नए आइडियाज हैं, कोई टर्न अराउंड कंपनी है, किसी कंपनी का स्टॉक बहुत गिर गया है, कोई कंपनी है जिसकी स्टोरी अच्छी लगती है लेकिन खाली 1-2 साल पुराना कंपनी है, उन सब में हम ज्यादा शेयर खरीदते हैं, लेकिन पर शेयर 2.5% से ऊपर नहीं लेते। उसी से हम बचे हुए इतने सालों से और इतनी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है विदाउट हैविंग एन आउटसाइज बेट, बिकॉज आउटसाइज बेट्स में रॉन्ग भी बहुत जाते हैं। अगर आप खाली लास्ट ईयर लें तो हमारी जो नंबर वन होल्डिंग थी HDFC बैंक, मार्केट चली 30-35%, वो तो 4% नहीं चला, लेकिन किसी और साल में कोई और स्टॉक चल जाता है। तो इट इज नॉट, जो आप सोचते हैं वो एग्जैक्टली होता नहीं है। वैसे आप 30-35 अपनी तरफ से अच्छी कंपनियां लेंगे और फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि किसका नंबर किस साल में आएगा। आपके अच्छी कंपनी भी होगी लेकिन मार्केट 2 साल तक उसको ना रिफ्लेक्ट करे रिटर्न्स में, इट इज बेटर टू हैव slightly larger number of companies but selected with care, but not being able to say कि इस कंपनी का नंबर है कि उस कंपनी का नंबर है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। आप अच्छी कंपनियां रखो अपने पोर्टफोलियो में and then let the market decide कि किसको कैसे वो ट्रीट करना चाहते हैं। सभी जी, एक और चीज आपने, अगर आप देखें IT पर काफी खुल के टिप्पणी करी, बैंक्स पर आपका चुनाव जो था उस पर आपने बात करी, ये बताइए एक सेक्टर जिसने बहुत मायूस किया ऑटो, लेकिन ऑटो में भी बाजार ने EV पर बहुत इंटरेस्ट दिखाया, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टाटा मोटर्स, ऑटो में, ऑटो एंसिलरी में वो कंपनियां जो कि डेडिकेटेड हैं और जिनका पूरा का पूरा प्लान जो है वो ईवी पर अगर आप देखें आधारित है या फिर फोकस्ड है, ये थीम 2022 में कितना पैसा बना के देगी, इस पर आपकी राय क्या है? जी मेरे हिसाब से कोई पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप सिंपल चीजें कि आप US मार्केट हमारी मार्केट से 3-6 महीने आगे चलती है, तो आप अगर 3-4 महीने पुराने से अभी तक की US की EV कंपनीज देखें अदर देन टेस्ला, परफॉर्मेंस काफी खराब रही है, क्योंकि वो पहले इतनी एक्साइटमेंट में बढ़ गए थे शेयर्स कि अब उनको एक्चुअल बिजनेस
जब होगा और करेंगे तब मिलेगा। और इंडिया में एक और बात है कि जो मेन कंपनीज है, नॉट दी एंसिलरी कंपनीज, उसमें कोई प्योर ईवी कंपनी है ही नहीं। आप टाटा मोटर ने इन्वेस्टमेंट करी है, बट किसी को ये नहीं पता कि उनकी ईवी कंपनी, उनका ईवी जो उनकी आई है वो बेटर है और वर्स है देन अदर कंपनीज, बिकॉज द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडियन कंपनी कैनॉट बी जितना यूएस कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज कर रही है। टोयोटा ने आई थिंक और वोक्सवागन ने कहा कि हम दोनों मिलके $170 बिलियन डालेंगे ईवी कंपनी ईवी डेवलप करने के लिए, उनके सप्लाई चेन, उनकी बैटरी व्हाटएवर करने के लिए $170 बिलियन 5 सालों में डालेंगे। अब इंडियन कंपनी 2 बिलियन 3 बिलियन डाले तो हाउ टू से टुडे कि आपके 3 बिलियन में इतना अच्छा वो निकलेगा जो दूसरी कंपनी 100 बिलियन में नहीं कर पाएगी। ये गेम बड़े लोगों का हो गया और इंडियन कंपनी उस स्केल पे नहीं लड़ाई करती, और करती है तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है क्योंकि एक गलती हो गई एंड में वो नहीं सक्सेसफुल हुई, मार्केट शेयर खराब हो गया, पूरे पैसे गए। तो मुझे लगता है कि ये वो बेटी नहीं है। आप सप्लायर में कभी कभी कर सकते हैं कि उसको ऑर्डर मिल रहे हैं 4-5-10 कंपनियों से तो वो हल्के हल्के बढ़ता है, हो सकता है, लेकिन वो अभी आप स्टॉक्स देखें नहीं जरूरत है। हॉट सेक्टर इतना ज्यादा हॉट हो गया था लास्ट ईयर कि I will not buy.